ब्रांड नेम जो कि आपके पूरे बिजनेस को रिफ्लेक्ट करती है, और एक बार आप अगर ब्रांड नेम रखते हो तो वो बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपने ब्रांड का नाम रखो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, जो कि आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप अगर कन्फ्यूज़ हो कि यार मेरे ब्रांड का मैं क्या नाम रखूँ, तो उसके लिए कुछ चेकलिस्ट यहाँ पे देने वाला हूँ, जो सुनने के बाद आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ब्रांड नेम है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो इस वीडियो का लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने पहले बनाए हैं, वो वीडियोज़ जाके भी आप बाद में देख लेना। पहले इस वीडियो को हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे, और कुछ एग्जांपल भी देने वाला हूँ जिससे आपको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चेकलिस्ट का सबसे पहला जो है वो है दोस्तों एज एंड टारगेट ऑडियंस। दोस्तों जब भी आप ब्रांड का नाम रखो ना, तो सबसे पहले ये समझो कि आपका जो ऑडियंस है उनका एज क्या है, उस हिसाब से आप नाम रखो। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है firstcry.com, तो नाम से हमको पता चल जा रहा है फर्स्ट क्राई यानी जो बच्चे होंगे उसका ब्रांड है, और उसमें सारे बच्चों का प्रोडक्ट मिलता है, तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि हमारे जो ऑडियंस है उनका एज क्या होगा। ठीक है, तो firstcry.com यानी उसमें बच्चों का प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों बेवकूफ.com। अब देखो बेवकूफ.com के जो क्लोथ्स है वो आप कभी नहीं देखोगे कि कोई 35 साल का फिर 40 साल का इंसान पहन रहा है, मोस्टली वो बच्चे पहनते हैं, बच्चे इन द सेंस जो कि 15 से 25 साल के बीच में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है, क्लोथ्स की वैल्यू बहुत सस्ती होती है बेवकूफ.com में, और उसमें फंकी चीजें होता है, तो उसका नाम ही उसने बेवकूफ रखा है क्योंकि उसको पता है उसका जो ऑडियंस है वो इतना सीरियस इंसान नहीं है, जो कि 30 साल का बंदा होता है। 30 साल का बंदा बेवकूफ.com नाम सुन के उतना वो अटेंशन नहीं देगा, वहीं पर अगर लिवाइस नाम आएगा तो उसको लगेगा हाँ यार मेरे लायक है, क्योंकि 30 साल का बंदा पैसा कमाता है, वो अफोर्ड कर सकता है लिवाइस, लेकिन जो 20 साल का बच्चा है वो लिवाइस के क्लोथ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भैया खुद सेव करके चल रहा है, वो कहां से लिवाइस का क्लोथ लेगा। ठीक है, तो वो बेवकूफ से खरीदता है। तो बेवकूफ ने जब भी अपनी ब्रांड बनाई होगी वो ये चीज ध्यान में रखा है कि यार हमारा ऑडियंस कौन है, वो समझा कि यार हमारे जो ऑडियंस है वो थोड़े फंकी टाइप के, थोड़े मेम्स वाले क्लोथ पहनेंगे, इसलिए उसने अपना ब्रांड का नाम बेवकूफ रखा। बट लिवाइस को ये पता है कि उसकी जो ऑडियंस है, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास भैया पैसा है और जिनका एज सही है, इसलिए आप कभी नहीं देखोगे कि लिवाइस वाला फंकी चीजें बनाता है, क्योंकि उसको पता है उसके पास फंकी क्लोथ पहनने वाले लोग नहीं है। तो जब भी आप ब्रांड का नाम रखोगे तो ये चीज ध्यान में रखो कि आपका जो ऑडियंस है उसका एज क्या है, या फिर हमारे क्लोथ किस टाइप के लोगों के लिए बनाया गया है, कौन से हमारे टारगेट ऑडियंस है। सेकंड है दोस्तों इमोशनल नेम्स। देखो दोस्तों अपने ब्रांड में ना आप कुछ इमोशनल चीजें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक छोटे एरिया तक कवर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु में कवर करना चाहते हो, तो अपना जो ब्रांड है वो आप तमिल नाम के बेस्ड में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी टाटा का एक नया कार आया था, अविन्या नाम था उसका। अविन्या एक संस्कृत वर्ड है जिसका इंग्लिश मतलब इनोवेशन होता है। ठीक है, तो टाटा ने एक ईवी निकाली है जो कि इंडिया में सबसे अलग कार है, और उसका नाम उसने दिया है अविन्या, जो कि संस्कृत में दिया है। ठीक है, तो इसमें एक हमारा इमोशन है कि यार हमारी संस्कृति है उस कार में, उसमें इनोवेशन नाम रखना सही नहीं लगता, उसने संस्कृत में नाम डाला है अविन्या, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है और इंडियन के इमोशन के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आप इमोशनल नाम भी डाल सकते हो। आप अगर एक सिटी से बिलोंग करते हो तो उससे रिलेटेड आप नाम रख सकते हो, तो ये आपके कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। जैसे मैं बंगाली हूँ, तो मैं अगर कुछ बंगाली नाम रखूंगा ना, और हमारे प्रोडक्ट कुछ बंगाली से रिलेटेड होगा, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अदर ब्रांड से। ठीक है, तो ये चीजें भी आप कर सकते हो, कुछ इमोशन आप इसमें जोड़ सकते हो अपने ब्रांड नेम में। थर्ड है दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड नेम। अब देखो दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है ना वो आपके ब्रांड नेम से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे शॉपसी है ना, शॉपसी से हमको पता चल जा रहा है कि यार इसके अंदर हमको क्लोथ वगैरह मिलेंगे, या फिर हम बात करें टेस्ला का, तो टेस्ला नाम उसने किससे चुना, जो टेस्ला निकोला टेस्ला जो था उसके ऊपर इसने नेम चूज किया। अब टेस्ला का कुछ क्लोथ बिकता तो कितना गंदा लगता है, बट उसने टेस्ला का कार निकाला जो कि ईवी से चलता है, तो आपका जो ब्रांड का नेम है वो आपके बिजनेस से रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आपके प्रोडक्ट से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक के नाम से हमको समझ आ गया कि वहां पे हम अपने फेस, अपना जो फोटोस रहता है वो अपलोड करते हैं, इसलिए उसका नाम है फेसबुक। ठीक है, तो आपका जो ब्रांड नेम है वो आपके प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखना। फोर्थ है दोस्तों माइंड बेस्ड नेम। कुछ ऐसे नेम होने चाहिए जो कि इंसान को एक बार में याद हो जाए, जैसे कि हो गया जिगजैग, हो गया टिकटॉक, हो गया कोको कोला, हो गया किटकैट, हो गया, तो इस टाइप के जो नेम है वो लोग कभी नहीं भूलते हैं। इसके पीछे एक साइंस है, ऐसा बोला जाता है कि सेम कैरेक्टर अगर यूज होता है दो वर्ड में, जैसे कि किटकैट दोनों में के है, कोको कोला सीसी है, जिगजैग दोनों में जेड है, या हम टिकटॉक की बात करें तो दोनों में टी है, तो जब सेम फर्स्ट कैरेक्टर अगर सेकंड कैरेक्टर से मैच होता है तो ये चीजें इंसान को हमेशा याद रखते, तो कुछ इस टाइप के नेम भी आप अपने ब्रांड का रख सकते हो। और ये चीज भी याद रखना कि नेम छोटा हो, कैची हो, जो लोगों को एक बार में याद हो जाए। बीच में मैंने साहिल खन्ना का वीडियो देखता हूं मैं, उसमें उसने बहुत ही बढ़िया एक नाम रखा है पापा न्यूज, तो पापा न्यूज आप कभी नहीं भूलोगे। आपको मैं बोल दिया पापा न्यूज, अब आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है अपने फादर्स को, राइट। तो ये काफी अच्छा नाम है, कैची नाम है पापा न्यूज, जो कि एक बार में आप याद कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप का आपके ब्रांड
का आप नाम रख सकते हो। देन 6 नंबर पे है दोस्तों स्लोगन। आप अपने नाम के साथ स्लोगन जोड़ो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि मैं फर्स्ट क्राई का बात किया था तो उसका स्लोगन है बिग स्टोर फॉर मम्मी, तो इससे हमको समझ आ जा रहा है कि यार वो मम्मी के लिए स्टोर बनाया गया है। कोई अगर मदर है उसको 10 जगह कपड़ा नहीं ढूंढना है, वो firstcry.com में जाएगी और उनको उनके बच्चे के लिए क्लोथ वहां पे मिल जाएगा। तो इस टाइप के आप स्लोगन रख सकते हो। जैसे कि एप्पल, उसका स्लोगन है थिंक डिफरेंट और एप्पल एक्चुअल में ये चीजें करता है थिंक डिफरेंट। तो स्लोगन ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस के साथ रिलेट करे और जो सच में आपके बिजनेस को मैच करती हो। फिर और एक है आपका डॉलर शेव क्लब, उसका स्लोगन है सेव टाइम सेव मनी, यानी वो आपका टाइम बचा रहे क्योंकि जल्दी हो जाता है और सेव मनी क्योंकि उसकी प्राइस कम है। ठीक है, तो स्लोगन जो रहेगा वो रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, वरना वो स्लोगन कोई काम का नहीं है। तो ये चीजें भी अपने ब्रांड के साथ कर सकते हो। अब चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कैस किस टाइप का नाम आप रख सकते हो, बट कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है जो कि आप अपने ब्रांड नेम रखते टाइम यूज मत करना। सबसे पहला होता है दोस्तों ट्रेंड चीजें। देखो ट्रेंड जो चीजें होती है ना, जैसे कि ट्रेंड में कुछ आ रहा है, अभी आया था काचा बादाम, ठीक है। आप अगर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इस टाइप के घटिया एग्जाम्पल थोड़ा चलता है, आप अगर रखोगे काचाबादाम.com तो यार काचा बादाम जो है वो कुछ टाइम तो चलेगा, ठीक है, चलने के बाद वो ट्रेंड से हट जाएगी तो आपको भी लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड में आती है वो तो बहुत स्पीड से चलता है लेकिन उतने स्पीड से वो चला भी जाता है। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखना कि ट्रेंड में जो चीज आएगी वैसा नाम आप मत रखो। अभी फिलहाल ट्रेंड में अपना इलोन मस्क भैया चल रहा है 2 महीने से चल रहा है, वो भी धीरे से हट जाएगा, कुछ नई चीजें ट्रेंड में आएगी, ठीक है। तो ट्रेंड वाली चीजें आप कभी अपने ब्रांड में यूज मत करना इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ये ट्रेंड वाली चीजें अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करना। सेकंड, ट्रेडमार्क चेक कर लेना। आप कोई अगर ब्रांड का नाम रख रहे हो ना, 300 मिलियन कंपनीज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो कुछ भी आप नाम रखोगे उससे पहले चेक कर लेना कि भैया उसका ट्रेडमार्क है क्या। एक वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो कि आप जो भी ब्रांड रखना चाहते हो वो कहीं ट्रेडमार्क में तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रेडमार्क वाली चीजें आप रखोगे, हो सकता है कल के डेट में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए तब आपको ये दिक्कतें आ सकती है, इसलिए पहले ट्रेडमार्क चेक कर लेना। देन और एक चीज आप ध्यान रखना कि आपकी जो ब्रांड का नाम है वो किसी और लैंग्वेज में गाली नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नाम रखे हो और उसको वो वर्ड इंडोनेशिया के लोग गाली के लिए यूज करते हैं, तो इस टाइप के ब्रांड का नाम आप मत रखना। तो ये चीजें आप अपने ध्यान में रखना। और डुप्लीकेट नाम भी मत रखना, डुप्लीकेट इन द सेंस मिलता जुलता, जैसे गूगल है तो आपने लग दिया गूगल को डूगल, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें भी आप मत करना। तो ये सारी चीजें जब भी आप ब्रांड का नाम चूज करोगे उससे पहले ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपने यहां से क्या सीखा नीचे कमेंट बताना, वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप नीचे कमेंट बताना, कोई भी डाउट्स है। अच्छा, आपको सीखना है कि लोगों कैसे बनाते हैं मोबाइल से, अगर सीखना है तो नीचे कमेंट करना, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को फिलहाल तो यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बताना, अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो नए हो तो यार वो भी कर दो, और अपने दोस्तों का शेयर करना है वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस बने, वो सारे वीडियो जाके भी देख सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ पे अभी हम खत्म करेंगे, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक।